Hem genç çağırdı. Who is the terrorist in India? Who is the terrorist? India, India. Who is the killer? India, India. Who is the butcher? India, India. Who is the butcher? India, India. Who is the terrorist? India, India. Hem genç çağırdı. Azadi. Azadi. India se lenge. Azadi. आजादी ये हक हमारा आजादी हम छीन के लेंगे आजादी आजादी ये हक हमारा आजादी जोर से बोलो आजादी आजादी व्हाट वी वांट फ्री कश्मीर व्हाट वी वांट फ्री कश्मीर फ्री कश्मीर यार मैंने दारे का आलू बाद में उठता जमीन को जो है वो जगाने की कोशिश कर रहा है फ्री कश्मीर राइट नाउ व्हाट वी वांट फ्री कश्मीर व्हाट वी वांट फ्री कश्मीर व्हाट वी वांट फ्री कश्मीर आजादी आजाद साहब हां जी एक दूसरा को लिया आजादी ए ड्रामा नहीं आजादी फ्री कश्मीर फ्री कश्मीर हम लेकर आएंगे आजादी छीन के लेंगे आजादी छीन के लेंगे आजादी लेकर आएंगे आजादी What we want? Free Kashmir. When you want? Right now. When we want? Right now. When we want? Right now. When we want? Right now. 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 मैंने इस रंग को लिया रंग पाली चल रहा है कोड़ी रखा है लेकर रहेंगे आजादी हक हमारा आजादी लेकर रहेंगे आजादी हक हमारा आजादी इंडियन फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर इतफाक कहना है मैंने कहना इंडियन फोर्सेस इंडियन फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर आज 5 अगस्त के वाले से हम यहाँ आए यूनाइटेड नेशन के सामने मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान ने 370 और 35A रिवोक करके उसका जो जवाब था इंडिया कश्मीर के अंदर वो खत्म हो गया अब बैन से हम अपील करते हैं यूनाइटेड नेशंस के कि हिंदुस्तान को फौरन वहाँ से मूव किया जाए और कश्मीरी को उनका हक दिया जाए आज़ादी का हक दिया जाए और सब राज्य से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि आप घरों से निकले और कश्मीर की मदद के लिए 3 सेकंड ज्यादा नहीं यूनाइटेड नेशन के सामने रखे हुए हैं कश्मीरी 370 के जो इंडिया ने नफाज किया है कश्मीर में एक साल से जुल्म खत्म हो रहा है हम यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस पर एक्शन ले और हमें कश्मीरियों को उनके हक खुद अरादियत दिया जाए कश्मीरियों की आज़ादी तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और इंशाल्लाह पूरी कश्मीरी कौम हम किसी भी पार्टीशन को कबूल नहीं करते चाहे वो इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और उनके साथ जदोजहद तहरीक आज़ादी के लिए हम भरपूर कोशिश करते रहेंगे आज हम यूनाइटेड नेशन को बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनके ह्यूमन राइट्स दिए जाएँ थैंक यू सो मच जी दो सर क्या हाल है ठीक हो थोड़ा थोड़ा बखा दें जो भी सर थोड़ा 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 भैया साइड में हो जाए ताकि सब लोग अल्लाह अकबर मेरा साहब
जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन असां हुन फोर्टी सैकंड स्ट्रीट तू यूनाइटेड नेशन के सामने तू मुखातिब हाँ कश्मीरी भरपूर एहतियात करी रहे इन शाला कश्मीरी आज़ादी तक सारे कश्मीरी एहतियात कर रहे रहे सन तो मैं आलमी मीडिया की रिक्वेस्ट करना कि इस पर आवाज़ उठाएं और कश्मीरियों ने जी ना आज़ादी उसकी यकीनी बनाए तो बहुत शुक्रिया सारे ना जरा हमारा चैनल तकने हो तो इन शाला नैक्सट प्रोग्राम फिर तुम हाज़र हो सर थैंक यू सो मच मांगे क्या है out.
नाजरीन तुम आखने पे कि अस इस यूनाइटेड से नेशन सामने इतने सबने झंडे लगे हुए असं की भी आज़ादी चाहिए असा भी झंडा इतना चाहना है इंशाल्लाह एक दिन जरूर हो सी कि असं कश्मीरियों की भी आज़ादी लभसी और मैं तुसा सब बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जरा तुसा असाना प्रोग्राम तकने हो और एप्रीशिएट करने हो इंशाल्लाह ये मिशन हमेशा जारी रहसी जारी हो सारी रहसी ये कश्मीरी आज़ादी तक ये मिशन कदें ख़त्म नहीं होने लगा तो यूनाइटेड नेशन की बार बार असं ये गल आने कि उन्होंने जगाने की कोशिश करने हैं लेकिन वो मिट्टी नींद नींद सुते इंशाल्लाह एक दिन जरूर आपसी की असर की आज़ादी लभसी।